हेलो दोस्तों दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोल्ट के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपको बहुत सारी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज लॉ विद ट्विंस में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ हमें आप मैसेज कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। चाहे डिवोर्स का मैटर हो, चाहे कोई क्रिमिनल मैटर हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, पहली बात तो ये है, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आपने 1 रुपया कंट्रीब्यूट करना है या 5 करने हैं या 500 करने हैं या 1000 करने हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। तो आ जाओ दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों अगर मैं एसोल्ट की बात करूँ तो हम पहले इसको इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। जो एसोल्ट है ये लॉ ऑफ टोट में एक टोट माना गया है। हमें पता है कि काफ़ी किस्म के टोट हो सकते हैं, रॉन्गफुल एक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बैटरी, नेगलिजेंस, ट्रेसपास, डेफामेशन, वैसे ही एसोल्ट भी एक टोट है। एसोल्ट का सिंपल सा मतलब होता है, कि सिंपल मतलब बताऊं कि किसी को डराना या कोई ऐसा बिहेवियर शो करना किसी के सामने कि उसको लगे कि आप उसके अगेंस्ट फोर्स यूज करने जा रहे हो, आप उसके अगेंस्ट बैटरी यूज करने जा रहे हो। और एसोल्ट जो है वो क्रिमिनल लॉ में भी दिया गया है एज एन ऑफेंस। अर्थात क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो आईपीसी का जो सेक्शन 351 है वो एसोल्ट से डील करता है। मतलब एसोल्ट जो है वो एक सिविल रोंग भी है क्योंकि लॉ ऑफ टोर्ट में दिया गया है, और एसोल्ट जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है क्योंकि आईपीसी में भी दिया गया है। तो ये बातें आप सारी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके मीनिंग की तो मीनिंग बहुत सिंपल है, बड़ा लंबा चौड़ा मीनिंग नहीं है। अगर मीनिंग की बात की जाए तो एसोल्ट का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब एक व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है कि जिसके कार्य से किसी दूसरे इंसान को लगे कि ये मेरे अगेंस्ट फोर्स यूज करने आ रहा है या मेरे अगेंस्ट बैटरी करने आ रहा है। बैटरी का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बैटरी वाली वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन सिंपल भाषा में बैटरी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट फोर्स को यूज़ करना। आप किसी को थप्पड़ मारो वो बैटरी है, किसी को डंडे से मारो बैटरी है। आप अपनी बॉडी से भी फोर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से भी फोर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, कोई टॉर्च है जिसकी लाइट बहुत तिखी है, अब किसी की आंखों में बार बार मार रहे हो और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप फोर्स यूज कर रहे हो, तो ये होता है बैटरी। देयरफॉर सिंपली एसोल्ट का मतलब ये होता है कि व्हेन द पर्सन हैज रीजनेबल एप्रिहेंशन दैट द अदर पर्सन इज गोइंग टू कमिट बैटरी अगेंस्ट हिम देन इट इज कॉल्ड एसोल्ट। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप अगर किसी के ऊपर कोई लोडेड पिस्टल है वो रखते हो, पिस्टल से डराते हो, या एसोल्ट बन जाएगा। पर एक क्वेश्चन है, मान लो एक गन है वो अनलोडेड है, उसमें गोलियां नहीं हैं, और आप किसी को सामने वो गन रख के डराने की कोशिश करते हो, और जिसको डरा रहे हो उसको पता ही नहीं है कि ये अनलोडेड है या लोडेड है, वो डर जाता है, तो इसको भी एसोल्ट ही माना जाएगा। पर अगर एक व्यक्ति को पता है कि गन के अंदर गोलियां नहीं हैं और आप उसको डराने की कोशिश करते हो, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, उसको पता है गोलियां नहीं हैं, तो इसको एसोल्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, पॉइंटिंग ए लोडेड गन एट अनदर। अब आप किसी के ऊपर गन रखोगे, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तो वो डर जाएगा, तो ये असोल्ट हो गया। अब हम इसमें एक केस लो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों इस केस में स्टीफन बर्सी मेयर्स की केस में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 1830 का है, कई बार जुडिशरी में नेट के एग्जाम में ही पूछा गया है। इस केस में हुआ क्या था कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ये कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में दो व्यक्ति आपस में लड़ पड़ते हैं। मान लो एक ये व्यक्ति हो गया, एक ये व्यक्ति हो गया, वो आपस में लड़ पड़े। तो एक व्यक्ति क्या करता है, वो दूसरे को बोलता है कि मैं तेरे को मार दूंगा। ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को, मान लो ये वाला व्यक्ति जो है ये इसको बोलता है मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे को मैं जान से मार दूंगा, और ये व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड को बुला के इसको कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालने के लिए बोलता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, अपनी शर्ट खोलता है और शर्ट को गोल करता है, घुमा के इसकी तरफ फोर्सफुली जाता है, गुस्से में जाता है मारने के लिए। इस व्यक्ति को लगता है ये तो मेरे को मारने आ रहा है, अर्थात मेरे अगेंस्ट बैटरी करने आ रहा है। तो क्या होता है, ये बंदा होता एक्चुअली में मारता नहीं है, इसको सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकाल देते हैं कॉन्फ्रेंस से। तो ये बंदा इसके अगेंस्ट एसोल्ट का केस फाइल करता है कि इसने ऐसा बिहेवियर किया कि मुझे लगा कि ये मेरे अगेंस्ट बैटरी कमिट करने आ रहा है, अर्थात इसने एसोल्ट किया। तो ये प्योर एसोल्ट था, इसको एसोल्ट के लिए लायबल भी किया गया था। हाँ जी, अब हम थोड़ा एसोल्ट और बैटरी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एसोल्ट और बैटरी में डिफरेंस क्या है,
तो अगर मैं असोल्ट और बैटरी की डिफरेंस की बात करूं, असोल्ट जो है वो क्रिमिनल लॉ में इसको असोल्ट ही कहा जाता है, और यह जो है वो आईपीसी के सेक्शन 351 में दिया गया है, असोल्ट 351 में। बैटरी को आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है, और यह जो है क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है, यह क्रिमिनल ऑफेंस है, यह भी क्रिमिनल ऑफेंस है आईपीसी में, इसको क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है, यह सेक्शन 350 में दिया गया है। अगर मैं असोल्ट की बात करूं, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति किसी को रिजनेबल एम्प्रीहेंशन देता है, क्या देता है, रिजनेबल एम्प्रीहेंशन ऑफ कॉजिंग बैटरी अगेंस्ट हिम। इसमें क्या होता है असोल्ट में, कि एक व्यक्ति किसी को रिजनेबल एम्प्रीहेंशन देता है, डराता है कि मैं तेरे अगेंस्ट बैटरी कमिट करने आ रहा हूँ, बैटरी का मतलब तेरे के अगेंस्ट फोर्स यूज करने आ रहा हूँ। बैटरी में क्या होता है कि व्यक्ति को डराता नहीं है, व्यक्ति इंटेंशनली फोर्स यूज कर देता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। इन दिस केस द पर्सन यूज द फोर्स इंटेंशनली विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, इसमें मार देता है। मतलब अगर मैं किसी के सर पे बंदूक रखता हूँ तेरे को मार दूंगा, वो असोल्ट है, मारता नहीं हूँ वो असोल्ट है, अगर मार देता हूँ तो बैटरी बन जाएगा, वैसे तो फिर वो मर्डर ही हो जाएगा, तो बैटरी बन जाएगा। मैं किसी को डंडे से ऐसे डरा रहा हूँ, मार दूंगा, ये असोल्ट है, मार दिया वो बैटरी बन जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए, हाँ जी, तीसरा पॉइंट आप ये डिस्कस कर सकते हो कि असोल्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज हो सकती है, असोल्ट में मतलब डराता है, और जब वो उसे डराते डराते मार देता है तो बैटरी बन जाता है। केवल डराया तो असोल्ट है, वो मार भी दिया तो बैटरी बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।